हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिंक डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हम प्रिंट रिसिप्ट को कैसे प्रिंट करने वाले, वो आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि ये सारे डेटा, ये सारी वैल्यूज हमने डेटाबेस में इंसर्ट करी थी। एंड जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ओके, तो ये रिकॉर्ड डेटाबेस में जाएगा। एंड यहाँ पर ये प्रिंट पेज आना चाहिए। एंड यहाँ पर एक प्रिंट बटन होगा जिसको क्लिक करने पर, अगर आपका आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको PDF में सेव कर सकते। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा मैंने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ था, जो उसका है, मैं एक नया बनाता हूँ। यहाँ पर मेरा है, ये फीस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर न्यू जे फ्रेम एंड मैं बनाता हूँ प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका मैं साइज़ देख लेता हूँ क्या था पेज का। जे फ्रेम ये मेरा साइज है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप साइज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वही साइज आप भी रखिए। ओके, अगर आपका लैपटॉप का या डेस्कटॉप का स्क्रीन थोड़ा छोटा बड़ा है तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा, वरना ये साइज़ रखिए। आप अगर देखिए रन करके कंपैटिबल है तो यही रखिए। एंड जनरेट रिसाइज कोड और यहाँ पर जनरेट सेंटर कर दीजिए, ताकि हमें ये जे फ्रेम सेंटर में ओपन हो। मैं रन करता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है और ये सेंटर में ओपन हो रहा है। एंड मैं अब मुझे क्या करना है, अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ध्यान होगा कि ये अब हमें क्रिएट करना है। तो ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया आपको, ऐड फीस का जो हम पेज बना रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा फेस था, इस पे पेज था, इस पे हमने ये क्रिएट किया था। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ये हम बटन किस तरह से क्रिएट करने वाले साइड बार। तो मैं इसे एक बार यहाँ से जाता हूँ कॉपी। उससे पहले मैं प्रिंट रिसिप्ट पे जाकर यहाँ पर सेट लेआउट एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ मेरा एड फीस, ये एड फीस है, इस पर कॉपी किया मैंने, कॉपी 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 कॉपी, एंड यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया बिकॉज मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बता चुका है मैंने कैसे बनाया, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता फिर से। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वाई, बिकॉज अब कलर इंपोर्ट नहीं हुआ है, कलर हमने यूज़ किया तो कलर को भी इंपोर्ट करना होगा। अब बेस कंट्रोल स्पेस करिए, यहाँ पर कलर आ जाएगा, java.awt पैकेज का कलर इंपोर्ट करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर मैनुअली जाकर इंपोर्ट java.awt.color लिख दीजिए, आपका एक्सेप्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार रन करूँ, देखते यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर हमें एक प्रिंट एंड एडिट का बटन चाहिए, तो मैं इसे काम करता हूँ थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इन्हें, ताकि मैं नीचे दो बटन और ऐड कर पाऊँ। मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल करके आप सब सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे डिलीट कर दे, पहले ऊपर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। हमें दो बटन नहीं चाहिए, एक ही बटन चाहिए। एंड इसे मैं कॉपी करता हूँ Ctrl C, यहाँ पर आके Ctrl V, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिला पैनल लॉगआउट, जो कि है ये हमारा पैनल है। तो मैं इसे पैनल साइड बार पर ऐड करता हूँ, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखता हूँ। ओके, नाम गड़बड़ हो गया, ये ऊपर होगा क्योंकि हमारा ओल्ड वाला है और ये जो हमने कॉपी किया है। तो मैं इसका नाम देता हूँ चेंज वेरिएबल नेम, सॉरी वेरिएबल नेम, ओके, BTN प्रिंट रख देता हूँ इसका नाम मैं। इस पर टेस्ट भी चेंज कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर इसका आइकन जो वो भी चेंज करते हैं, तो सेटिंग इसका भी, आइकन का लिंक मैंने आपको दे दिया है एक्चुअली, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, पार्ट आई थिंक 6 या 7 होगा, उसमें मैंने सारे आइकन दिए थे आपको। तो वहाँ पर आप अब इम्पोर्ट भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो प्रिंट का आइकन कौन सा है हमारा, प्रिंट प्रिंट प्रिंटर, ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटर एंड क्लोज, ठीक है, प्रिंट हो गया हमारा। अब एक और बटन चाहिए हमें एडिट के लिए, तो मैं इसको ऊपर लेता हूँ इसे थोड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर एक और बटन चाहिए, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जे पैनल 2 इसके अंदर आएगा, तो मुझे इसे उठाकर सिंपली पैनल साइड बार के अंदर रखना है। ये सब मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है और हमें क्यों करना है ये सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं ये BTN प्रिंट है हमारा, तो हमें इसको ऊपर रखना है बिकॉज़ ये न्यू वाला हमारा ये है एंड ये ओल्ड कॉपी है। तो मैं इसे उठाकर यहाँ रखता हूँ एंड ओके,
कंट्रोल जेड, सॉरी गड़बड़ हो गई। ये हमारा ओके, ये है हमारा BTN1 प्रिंट। तो ये हमारा ओल्ड वाला कॉपी है, तो मैं इसे उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ एंड यहाँ। ओके यार कहाँ चला जा रहा है बटन, यही प्रॉब्लम है यार ये सब में। तो मैं ठीक यहाँ से उठाता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ, प्रिंट हो गया हमारा। एंड इसका मैं वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ, BTN एडिट। ओके तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमें इसी बटन्स पे इवेंट अप्लाई करना है प्रिंट के लिए। इवेंट में जाकर एक्शन माउस, माउस क्लिक इवेंट अप्लाई करना है जिससे प्रिंट होगा। एंड यहाँ पर भी सॉरी प्रिंट नहीं, इसको एडिट कर देते, एडिट टेक्स्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ एडिट। फिर हमें वैल्यू को एडिट करना है। एंड इसका जो है आइकन वो भी चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर आइकन 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 एडिट का आइकन होगा एडिट, सॉरी ये काफ़ी बड़ा हो गया, देखता हूँ और कोई है क्या। एडिट टू, ओके ठीक है परफेक्ट। तो ये हो गया एडिट के लिए। अब हम यहाँ पर हमें ये हमें ये दिखाना है, रिसिप्ट दिखाना बेसिकली। तो मैं एक बार चेक कर लूँ इस पैनल का साइज क्या है। तो ये पैनल का साइज है हमारे, ये हमारे पैनल का साइज है। तो मैं इसे एक बार पैनल रख देता हूँ यहाँ पर, एक प्रॉपर्टीज़ में जाइए, आपको एक जे पैनल लेना है। पैलेट में गया मैं एंड जे पैनल, जे पैनल कहाँ, जे पैनल 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 पैनल, वन सेकेंड यार मुझे दिख क्यों नहीं रहा, यहाँ पर होगा वो ऊपर होगा, सॉरी हाँ यहाँ पर होगा जे पैनल। मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पर रखा, इवेंट सॉरी इवेंट नहीं, सेट लेआउट एब्सोल्यूट लेआउट, यहाँ पर ये गायब हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पैनल है हमारा, इसे कॉपी, इसका नाम चेंज कर देता हूँ पैनल, सॉरी पैनल प्रिंट रख देता हूँ, पैनल प्रिंट। हम इसे ही प्रिंट करने वाले, जो एलिमेंट हम इस पर प्लेस करेंगे वो सारे प्रिंट होंगे। इसके लिए मैं इसे पैनल प्रिंट नाम दे रहा हूँ। इसका साइज मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने क्या साइज़ दिया है। तो देख सकते हो 1220 एंड 860, 1220 एंड 860 ठीक है। एंड इसे ऊपर रखता हूँ। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो आप जाइए बैकग्राउंड कलर में एंड वाइट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ओके ये हो गया। अब हमें इस पर टेक्स्ट जो आपका जो इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे उसका नाम लिखिए, ठीक है। तो ये मेरा मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, तो आप चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पैलेट, पैलेट में गया, यहाँ पर लेबल होगा, लेबल लिया मैंने, ये मैंने लेबल लिया। एंड इसके बाद इसका टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप नहीं करना चाहता। तो मैंने यहाँ से उठाया कंट्रोल वी एंड इसका टेक्स्ट का फॉर्मेट देख लेता हूँ क्या है प्रॉपर्टीज़ में। तो ये टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन एंड साइज है 24 ठीक है। तो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते जो आपको पसंद है। तो टाइम्स 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 न्यू रोमन एंड साइज है 24 ओके। सो ये हो गया। एंड इसका जो कलर है वो कलर भी मैंने चेंज किया, आप देख सकते थोड़ा लाइट ब्लू में आ रहा है। तो कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। बेसिकली कलर है 510102, ये कलर है। तो कलर चेंज हो गया जो है वो है सर माथुरदास विशान जी। नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा, तो मैं इसी लेबल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर एंड इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। बस आपको कुछ करना नहीं इस वीडियो में, हम बस यही करने वाले, डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं एक बार डिज़ाइन 51 इसका तो सेम है एंड इसका साइज़ जो है वो है 38, सिर्फ साइज अलग है। तो साइज में जाता हूँ यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, साइज में कर देता हूँ यहाँ पर 38 लिख देता हूँ 38 ठीक है। ये हो गया साइज चेंज। ओके एंड जो नेक्स्ट है वो है स्कूल ऑफ कॉमर्स, तो इसी कॉपी करता हूँ मैं एंड पेस्ट। एंड यहाँ पर इसका टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, स्कूल ऑफ कॉमर्स। एंड इसका जो साइज है वो मैं एक बार चेक कर लूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं या कुछ भी साइज रख सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैं इसका साइज 55 था तो मैं 55 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जो आपको पसंद आए आप वो रख सकते हैं ठीक है। ओके एंड यहाँ पर ये जो है
इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, एड्रेस है ये तो, मैं पहले से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ गया एंड इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ मैंने क्या रखा चेक कर लो एक बार। यहाँ पर इसका साइज़ है 20, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर साइज़ हो गया 20। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग पेज का फ्रंट डिज़ाइन हेडर पार्ट। तो यहाँ पर एक हमें एक इमेज भी इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ पैलेट लेबल, लेबल में बड़ा करता हूँ और इसमें इमेज इंसर्ट करता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने कौन सी इमेज इंसर्ट करी हुई है। तो प्रॉपर्टीज़ कॉलेज वन करके एक इमेज है, तो मैंने आपको इमेज प्रोवाइड की होगी अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखे, तो मैंने उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सारे इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो मैं गया यहाँ पर आइकन, आइकन्स में जाकर इमेज एंड कॉलेज वन, ओके सॉरी कॉलेज वन करना है हमें, सी सी ये हमें इमेज चाहिए। ओके, कोई अपने कॉलेज का या कहीं का भी इमेज उठा लेना, बट अगर आप ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कॉपीराइट इशू आ सकता है अगर आप किसी और का लोगो यूज़ कर रहे हैं तो, या सिर्फ वैसे अगर आप सीखने के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टडी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये लेबल का मैंने टेक्स्ट हटा देता हूँ एंड उसके बाद मुझे चाहिए ये जो लाइन है, ये बेसिकली एक पैनल है जिसको मैंने कलर किया है, तो मैं इसे पैनल ले लेता हूँ एक, यहाँ पर जाकर इस पर गया, यहाँ पर पैलेट में गया एंड यहाँ से एक पैनल उठाया यहाँ पे रखा, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ एंड इसका जो साइज़ देख लेता हूँ मैंने क्या रखा है, इसका साइज़ होगा आई थिंक 5 या 6 है, हाइट 6 है इसकी, तो यहाँ पर आइए हाइट 6 कर दीजिए इसकी। एंड इसका कलर है वो भी सेम होगा, जो ये सब कलर है उसी कलर का वो भी होगा, तो कॉपी करता हूँ कलर एंड यहाँ पर फोरग्राउंड नहीं, हाँ फोरग्राउंड कलर है, मैं पेस्ट किया मैंने। ओके, बैकग्राउंड कलर कहाँ है भाई इसका, ओके बैकग्राउंड ऊपर है, सॉरी यार मैंने लगता गलत पैनल सेलेक्ट किया था, हमें यहाँ पर इसे वाइट ही रखना है। एक्चुअली हमें ये पैनल पे करना है कलर को सेट, मैंने इस पे ही कर दिया, मैं इसे हटाता हूँ कंट्रोल एक्स, ओके नल नहीं हो सकता, ओके इसे रहने देते हैं। यहाँ पर इसे जाता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं चेंज करता हूँ डार्क ब्लू, ठीक है ये हो गया। अब हमें लेबल्स को रखने हैं, तो रिसीप्ट नंबर, पेमेंट मोड, चेक नंबर, तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आके पेस्ट। तो अब देख सकते हैं पैनल यहाँ पर सब यहाँ वहाँ बिखर गए, एक बार अगर मैं देखूँ कहाँ गए, ओके चलिए मैं टाइप ही कर लेता हूँ, यही प्रॉब्लम होता है इसमें कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल जेड कर दिया। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ वाइट एंड इसका कलर जो है वो ये कलर का होगा। ओके, अरे यार फिर से मैंने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर चेंज किया, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमें, ठीक है। अब हमें लेबल्स को रखना है फटाफट, तो मैं लेबल्स लेता हूँ यहाँ से जाकर, लेबल लेबल हमारा फर्स्ट लेबल है रिसीप्ट नंबर एंड इसका मैं एक बार फॉन्ट देख लेता हूँ क्या है, 17। ओके, तो मैं यहाँ पर गया रिसिप्ट नंबर, फॉन्ट जो साइज है वो है रिसिप्ट नंबर, फॉन्ट साइज है 17, तो यहाँ पर जाइए पर एंटर की 17। ओके, एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने SOC लिखा है जो कि अब एक
अपेंड होगा हर एक फिश रिसिप के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SOC, मीन्स स्कूल ऑफ कॉमर्स के प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं SOC लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड इस पे हम रिसीप्ट नंबर को प्रिंट करने वाले, जो रिसीप्ट नंबर यूज़र हमें देगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ब्लैंक रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखिए, क्योंकि हम उसे डायनेमिकली चेंज करने वाले रन टाइम पे। जब हम रन करेंगे तो जो रिसीप्ट नंबर होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। बस हमें ध्यान रखना कि वेरिएबल नेम चेंज हो। तो TXT रिसिप्ट नंबर, ओके रिसिप्ट नंबर, एंड जो नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मोड, मैं इसे Ctrl+C Ctrl+V पेमेंट मोड, ठीक है। पेमेंट मोड यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जिस मोड से पेमेंट हुआ है मैंने यहाँ पर रखा, पेमेंट मोड हो गया। एंड इसका भी वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ, TXT पेमेंट मोड। एंड जो नेक्स्ट है वो है DD नंबर एंड चेक नंबर, मैंने एक पे रखा है। अब मैं इसे आपको बताऊंगा कि आप एक ही लेवल का यूज़ करके कैसे दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+C Ctrl+V, थोड़ा मैं गैप कम करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं चेक रखता हूँ, चेक या DD, क्योंकि मैं इसे डायनेमिकली चेंज करने वाला हूँ इस लेवल को। चेक DD अब जो भी हो, तो Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पर चेक DD, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ TXT चेक और DD, ठीक है। हमें डायने अगर चेक होगा तो हम यहाँ पे चेक नंबर डिस्प्ले करेंगे, DD होगा तो हम DD डिस्प्ले करने वाले। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंक नेम, एंड उसके बाद रिसीव फ्रॉम, तो Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर आ जाएगा बैंक नेम, बैंक नेम, देन उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम, उसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, एंड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट इन द कॉलेज ऑफिस। तो यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V एंड मैं टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे डेटाबेस में वैल्यूज़ को। तो पहले हम एक बार डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा तो फिर हम आगे का इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर भी ईयर्स अपने आप ही आने वाले हैं जो हमने वहाँ पर इंसर्ट किया। अभी डमी डेटा में इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+V करके यहाँ पर एक डैश के लिए भी एक लेबल रख लेते हैं, इसमें डैश होगा, ओके हो गया। एंड कलर भी चेंज करना, मैं कलर चेंज करना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ एक बार, कलर भी चेंज कर देते हैं हम इसका, थोड़ा इन्हें ऊपर रखता हूँ मैं। बैंक नेम आप अलाइनमेंट सही कर लीजिएगा इसका, ओके एंड जो हमें अभी यहाँ पर करना है क्या है कि एक मिनट में बस हो गया कि बैंक नेम के लिए हमें बैंक नेम चाहिए, तो Ctrl+C Ctrl+V, इसका भी वेरिएबल नेम आपको ध्यान रखना चेंज कर दीजिए। TXT बैंक नेम रिसीव फ्रॉम Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर रखिए रिसीव्ड TXT, TXT नहीं आप लेबल भी दे सकते हैं LBL, TXT रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम, एंड देन उसके बाद हमें इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। तो आप कंट्रोल करके सभी को कॉपी कर लीजिए एक ही बार में, सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद जो हमारा कलर जो था वो था, कलर क्या था मैंने जो रखा था, ये 510102, तो मैं इसे ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ बैकग्राउंड कलर, सॉरी फोरग्राउंड कलर चेंज करना है हमें। अब देख सकते हैं सारे रिसीप्ट नंबर का कलर, लेबल्स का कलर चेंज हो गया। आप इसे स्टार्टिंग में कर लीजिए ताकि जब आप कॉपी पेस्ट करें तो ये
ऑटोमेटिकली सभी कलर सभी पे अप्लाई हो जाए। एंड यहाँ पर हमें उसके बाद डेट एंड जीएसटी नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पर एक और लेबल को कॉपी करता हूँ, डेट डेट एंड यहाँ पर आ गया जीएसटी नंबर, जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे जीएसटी, ओके कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, जीएसटी नंबर के लिए हो गया। एंड यहाँ पर हम डिस्प्ले करने वाले हैं डेट को, वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, txt डेट एंड यहाँ पर आ जाएगा txt gstin, ओके। इसे आप बस इसका अलाइनमेंट हमें ध्यान रखना ताकि अच्छा लगे हमें देखने में। एंड इसके बाद हमें ये क्रिएट करना है हेडर, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर देख लिया तो मैंने क्या इसकी जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है, ये हमारा जे सेपरेटर है। तो प्रिंट यहाँ पर जाइए, आपको मिल जाएगा, पैलेट में जाइए आप, यहाँ पे आपको मिलेगा जे सेपरेटर, जे सेपरेटर सेपरेटर, ओके यहाँ पर सेपरेटर है, आपको देख सकते हैं, सेलेक्ट करिए यहाँ से, ओके वन सेकेंड, यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ पर पूरा एंड तक लेकर जाइए एंड इसका साइज छोटा करिए, इसे इसका कलर भी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर ही, इसका भी कलर हमें रखना है, जो ये कलर है हमें ये रखना है कलर भी, कंट्रोल सी एंड सेलेक्ट करिए इसे, एंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर होगा आई थिंक, देख लेते एक बार, हाँ ओके फोरग्राउंड कलर है। मैंने क्या अब इसे कॉपी करता हूँ एक बार एंड थोड़ा सा नीचे लाता हूँ इसे, ये हो गया इस तरह। अब मैं इसके अंदर हमें सीरियल नंबर हेड एंड अमाउंट एंटर करना है, तो यहाँ से मैंने एक लेबल कॉपी किया, कंट्रोल वी सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हेड एंड यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेड, ठीक है ये हो गया। एंड इसके बाद हमें सीरियल एक नंबर चाहिए यहाँ पर लेबल जीएसटी दिखाने के लिए, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पर वन, एंड इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं, कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर रखता हूँ मैं, हेड में होगा हमारा पहला, इसका हमने वेरिएबल नेम चेंज करना है, वेरिएबल नेम होगा ये हमारा कोर्स नेम है, तो txt यहाँ पर हम कोर्स नेम डिस्प्ले करने वाले हैं, तो txt कोर्स नेम एंड इसे कॉपी करिए यहाँ पर रखिए एंड यहाँ पर हो जाएगा cgst एंड इसका जो वेरिएबल नेम है वो भी चेंज कर देता हूँ मैं, txt cgst, जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी sgst sgst, यहाँ पर मैं इसका भी वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ txt, ओके ये cgst है एंड इसे हमें करना है sgst txt sgst sgst हमारा, यहाँ पर मैंने लेबल का टेक्स्ट शायद रॉन्ग एंटर कर दिया, ये sgst एंड इसका वेरिएबल का नाम मैंने रखा है cgst, तो मैं इसे कर देता हूँ cgst एंड यहाँ पर हो जाएगा ये sgst, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें अमाउंट भी चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा हो गया इनिशियल अमाउंट, ये हो गया जीएसटी, ओके एक मिनट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे मिडल में रखता हूँ, इसके बाद के वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बोर हो रहा होगा बस खाली ये इस वीडियो तक, इसके बाद के वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ txt इनिशियल
अमाउंट एंड इसका भी वेरिएबल नेम चेंज करते हैं, टी एक्स टी सी जी एस टी। मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सी जी एस टी एंड इसका नाम एस जी एस टी, टी एक्स टी एस जी एस टी। यहाँ पर हमारा 18% तो फिक्स होने वाला है, तो मैं यहाँ पर 18% लिख देता हूँ, 18% बिकॉज ये GST तो हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर लिख दो SGST 18%, SGST जो है 18%। एंड सिमिलरली यहाँ पर CGST, ओके ऊपर CGST आएगा, CGST एंड यहाँ पर हो जाएगा SGST 18%। ओके सो ये हो गया, बिकॉज ये दोनों फिक्स होने वाले हैं, हर एक रिसिप्ट नंबर पे ये 18% ही होने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको कांस्टेंट रख दिया। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा है, एक हमें जे सेपरेट, एक यहाँ पर भी जे सेपरेटर चाहिए एंड यहाँ पर आप देख, ओके सॉरी 99% होगा, मैंने 18% लिख दिया, टोटल 18% होगा, बट इनिशियली एक सिंगल 9% होता है हमारा SGST, 9% होता है CGST, मैंने दोनों को एक ही में लिख दिया, सॉरी। अब यहाँ पर देख सकते हो गया। एंड जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है। पहले जे सेपरेटर को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पर, एंड इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। इसका नाम होगा टोटल, का वेरिएबल नेम भी चेंज करता हूँ, TXT टोटल। एंड हमें एक और चाहिए टोटल इन वर्ड्स, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ एक बार और एंड यहाँ पर रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ टोटल इन वर्ड्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर हम टोटल इन वर्ड्स दिखाएंगे, तो इससे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंड चेंज वेरिएबल नेम TXT टोटल इन वर्ड्स, तो ये हो गया। ये थोड़ा मैं और बड़ा करता हूँ इसे, ताकि हम यहाँ पर सिग्नेचर भी ले सके, रिसीवर सिग्नेचर है, रिमार्क भी दिखा सके। तो मैं एक बार और इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर रख देता हूँ इसे, रिसीवर सिग्नेचर टोटल को थोड़ा ऊपर, रिसीवर सिग्नेचर, सॉरी यार अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी कहीं, इसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं भी उतना फोकस नहीं कर रहा उस पर। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर हमारा रिसीवर सिग्नेचर हो गया। आप डिजिटल सिग्नेचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लेबल रख कर आप एक किसी का साइन ले लीजिए एक पेपर पे, उसे स्कैन कर लीजिए एंड यहाँ पर एक ये लेबल रख दीजिए एंड उस इमेज को यहाँ पर अटैच कर दीजिए, तो डिजिटल सिग्नेचर भी हो जाएगा यहाँ पर। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद रिसिप्ट को प्रिंट करिए पहले एंड उसके बाद फिर उस पर सिग्नेचर कर, जिसका जो भी अथॉरिटी होगी उसका सिग्नेचर। एंड यहाँ पर फिर एक और बार मैं कॉपी करता हूँ रिमार्क के लिए, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे आ गया रिमार्क एंड TXT रिमार्क आ जाएगा यहाँ पर, TXT रिमार्क, ठीक है, ओके। सो मैं एक बार रन करता हूँ इसे, रन फाइल, ओके। सो ये साइड में चला गया, मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस मैंने ज़्यादा दे दिया, इसलिए तो मैं यहाँ से इसे और लेफ्ट साइड में लेता हूँ, ओके मैं रन करता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हैं, आप इसे मिडल में ले लीजिए, यहाँ पर हमें एक और लेबल डिस्क करते हैं प्रिंट रिसिप्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर है प्रिंट रिसिप्ट का, तो मैं वो भी कर देता हूँ, यहाँ पर जाइए इसे थोड़ा मैं और इस साइड ले लेता हूँ मिडल में। एंड यहाँ पर गया मैं पैलेट में जाकर, एक लेबल लिया मैंने, अब इसे अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको जो कलर पसंद आ रहा है, जिस तरह का रिसिप्ट चाहिए आपको आप उस तरह का रिसिप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, बस आप डिटेल हमें डेटाबेस से लेनी है, तो आप
जिस अब मैंने इस तरह का डिज़ाइन का, ज़रूरी नहीं आप इसी तरह का रिसीप जनरेट करें, आप किसी और तरह से भी जनरेट कर सकते हैं रिसीप डिज़ाइन, आई मीन्स डिज़ाइन, आप किसी और तरह का डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रिंट रिसिप्ट, एंड जिसका साइज़ देख लेता हूँ क्या रखा था मैंने यहाँ पर, उसका जो कलर है वाइट है एंड प्लेटिनो एंड 55, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए प्लेटिनो पी प्लेटिनो 55 बोल्ट के, एंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर हमें रखना है वाइट, फोरग्राउंड मीन्स टेक्स्ट का कलर। प्रिंट रिसिप ये हो गया हमारा प्रिंट रिसिप। ओके सो ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रिंट का बटन, यहाँ पर एडिट का बटन काफ़ी नीचे चला गया, तो मैं एक काम करता उसको भी ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, इनके बीच का मैं स्पेस कम कर देता हूँ। ओके ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखने वाले कि वो सब वैल्यूज हम यहाँ पर कैसे सेट करेंगे। सपोज यूज़र ने प्रिंट पे क्लिक किया तो वो ये पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होना चाहिए, एंड यहाँ पर उस सारी वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा।